ये खुला आसमां, ये रंगीन समा, ये पथरीले पहाड़ और यहाँ गूंजती विपट की दहाड़ पुकार पुकार के कह रही है, जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तो दोस्तों चलते हैं इस जन्नत की सफर पे। सो अभी हम जवाई बांध रेलवे स्टेशन से निकले हैं अपने होटल की तरफ। शोले की याद आ रही है, शोले फिल्म की, जिसमें ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। गब्बर कहाँ छुपा है वही देखना है। कितना बढ़िया लैंडस्केप है, मोर की आवाज़ आ रही है, सामने रॉक पिजन उड़ रहे हैं, दूर से ग्रे फ्रैंकोलिन की भी आवाज़ आ रही थी। और ऐसा ये बढ़िया लैंडस्केप में बसा हुआ हमारा होटल, आगे जाके छोटा सा गाँव है, सेना गाँव में अभी हम लोग आए हैं। अमित भाई कैसे लग रहा है? वेरी गुड। क्या लैंडस्केप देख के आपको किसकी याद आ रही है? शोले। मुझे भी सांबा ऊपर बैठा है। मैं गब्बर को ढूंढ रहा हूँ। बसंती को भी ढूंढ। क्या बात है। सफारी के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, ओपन जिप्सी, पूरा धो ढाल के पूरा एकदम चकाचक निकलेगी। कैसे लग रहा है आपको ये लैंडस्केप देख के, किसकी याद आ रही है? क्लास, एकदम रामगढ़ के शोले। वाह वाह। और मैं आ गया हूँ गब्बर बन के। क्लास। सो गर्मा गर्म लंच रेडी है। अभी लंच के बाद एक ग्रुप इस होटल पे रुकेगा और एक ग्रुप दूसरे होटल पे, जो कि यहाँ से खाली 1 किलोमीटर दूरी पे है। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम अभी थोड़ी ही देर में दूसरे होटल पे पहुंच जाएंगे। सो अभी मेरे साथ यहाँ पे शिव है, जिसने अभी हमें जस्ट हमारे होटल पे छोड़ा है। और शिव कैसे है? अच्छा अच्छा सेटिंग दिखा। ओके वगैरह। चलो मिलते हैं शाम को। सो ये देखिए कितना बढ़िया लोकेशन है, ओवरऑल ये जगह एकदम बढ़िया है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बर्डिंग भी अच्छा है, और जो कि मेन जिसके लिए आते हैं लीपर्स, वो बिल्कुल पीछे की साइड में जो पहाड़ी है वहाँ तक इस प्रॉपर्टी में भी आते हैं। तो इतना बढ़िया लोकेशन, सब यहाँ पे आके खुश हो गए। अभी एक ट्रैक्टर जस्ट आया था और वो ऊपर पहाड़ी पे थोड़ा सा मंडरा है और फिर पीछे चला गया है, देखते हैं क्या। शॉर्ट टोड स्नेक ईगल ऊपर सर्कलिंग कर रहे हैं। शाहीन फाल्कन, वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, अबाउट 300 टू 380 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वे डाइव करते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा खास आपके लिए। सब ले लिया है, बैनैक कैमरा सब कुछ है। सो पहली सफारी के लिए सब लोग रेडी हो गए हैं? यस यस, एक्साइटेड है साइटिंग्स के लिए? Yeah.
यहाँ पे वॉकी टॉकी है, जब भी साइटिंग हो जाता है तो एक दूसरे को कॉल करके बताते हैं कि भाई यहाँ पे साइटिंग है, तो फिर सारी गाड़ियाँ एक जगह आके वाइल्ड लाइफ का मजा लेती हैं। वाइल्ड लाइफ नाम बताओ। प्रदीप सिंह हमारे साथ में, और हमें आज वो क्या क्या दिखाने वाले आप? लेपर्ड्स दिखाने वाले हैं, इंडियन ईगल आउल, बर्ड वॉचिंग कराने हैं, सब कुछ जितना साइटिंग पॉसिबल है वो। गाड़ी थोड़ा स्लो भी चलाने वाले जी, और गाड़ी स्लो भी चलाने वाले ताकि आराम से हम वाइल्ड लाइफ के साइटिंग का मजा ले सके। मेरे साथ में मेरी जिप्सी में यहाँ पे पीछे अमित जी है। हेलो अमित जी। हाय, हाउ आर यू? साइड में उनके संदीप जी बैठे हैं, एंड में सभी शार्प शूटर हैं यहाँ पे। आप जरा बताएंगे जवाई डैम के बारे में? जरा जोर से। जवाई डैम है जो महाराजा ऑफ जोधपुर ने बनाया, 1946 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 57 में कंप्लीट हुआ था। ये 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है इन ऑल अराउंड। इसमें सर 400 प्लस क्रोकोडाइल, 240 टाइप्स ऑफ माइग्रेट बर्ड। और आप देख सकते हैं पूरा हैबिटेट यहाँ पे, ये खेती होती है जी। ये सर जब डैम बन रहा था तब महाराष्ट्र ने गांव वालों को मुआवजा दिया, जब पानी का लेवल कम हो गया था तब यहाँ पे गांव वाले खेती करते हैं। तो फेमस जवाई बांध डैम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। रेड नेप्ड आइबिस, इसका चमकता हुआ रेड नेप और इसके विंग पे दिखता हुआ व्हाइट पैच और लॉन्ग कर्व्ड बीक, यही इसकी पहचान है। ब्लैक हेडेड आइबिस, आप देख सकते हैं दो पाइड किंगफिशर किनारे पे एक साथ बैठे हुए हैं। उनमें से एक उड़ा और उसने हावरिंग चालू कर दिया है। बहुत जोरों से हावरिंग करने में ये एक्सपर्ट है। हावरिंग करते करते ही अपने टारगेट पे नज़र रखना इनकी खासियत है। टारगेट लॉक होते ही सीधा उस पे 90 डिग्री में स्पीड से ये झपट पड़ते हैं। ब्लू चिक्ड बी ईटर, कॉल दे रहा है। दो क्रोकोडाइल आइलैंड पे आराम फरमा रहे हैं। डैम का ये नज़ारा देखने के लिए काफ़ी सारे सैलानी आ चुके हैं। शायद आज वीकेंड है इसके लिए रश ज़्यादा है। डैम पे बर्डिंग करने के बाद अभी निकले हैं हम हमारे मेन टारगेट की ओर, एंड दैट इज़ नथिंग बट लिपर्ड लिपर्ड एंड लिपर्ड। ओह, और ये हम फंस चुके हैं ट्रैफिक जैम में। हमारी जिप्सी अब खड़ी पहाड़ी पे चढ़ रही है।
ग्रे फ्रैंकुलिन जस्ट यहाँ से क्रॉस होके गई। ओ ये तो उड़ गई। यहाँ इन दो पहाड़ियों के बीच में जो खाई है वहीं पे लिपड़ का साइटिंग हो सकता है। जुदा फीमेल की टेरिटरी यहीं पे है और हम उस टेरिटरी में आ चुके हैं। सारी जिप्सिया और सारे लोग बस बेसब्री से एक ही इंतज़ार कर रहे हैं, जुदा का। जुदा अपने केव से कब बाहर निकलेगी और कब हमें दर्शन देगी। Yes, and finally we sighted her, Judah female. ओ वाओ, अभी ओपन में आ चुकी है। अरे बैठ गए, शायद पोटी कर रही है। ओ शट, सीधा दौड़ पड़ी। ये ऊपर से जिप्सी आई ना, इसकी वजह से चली गई लगता है। वाह क्या साइटिंग हुआ आज, एक नंबर साइटिंग। दौड़ते हुए, पोटी करते हुए, छुपते छुपते चलते हुए, जुदा ने तो आज धमाल किया। दौड़ते हुए लिपड़ को कैमरे में कैद करके अभी हम निकल रहे हैं अपनी होटल की ओर। जस्ट अभी हम लोग होटल में वापस आ चुके हैं और अभी सबका डिस्कशन चल रहा है कि कैसे कैसे उनको शॉट्स मिले हैं। सब लोग वापस एक बार रिव्यू ले रहे हैं कि आज का done. कैसे रहा आज का दिन? Done. ये सेशन कैसे रहा? क्या बात, लाइफ लाइफर होता, क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है। आशा मैडम का लाइफ। अरे क्या,
और वो भी रनिंग में भी मिला। सो फ्रेंड्स, आने वाली सफारियों में और क्या क्या साइटिंग्स होते हैं ये जानने के लिए जरूर देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 3। टिल देन, गुड नाइट।